एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड्स माइन टूटोर सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ द पॉन्ड मैनेजमेंट टॉपिक एंड बेसिकली टॉपिक विच वी वर सींग वॉज मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ट्स एंड रियरिंग पॉन्ट्स करंटली वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ट्स एंड फर्दर वी विल बी सींग मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग पॉन्ड्स सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी पॉन्ड्स जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि नर्सरी का मीनिंग यहां पर होता गया एक नर्सरी का मीनिंग तो ये होता है जैसे कि जहां पर पेड़ पौधे जो कहना चाहिए लगाए जाते हैं फिर वहां से हम लोग उसको बाय कर सकते हैं और अपने घर में उसको यूज कर सकते हैं लाकर तो वो तो एक नर्सरी होती है और दूसरी नर्सरीज़ जो कि एक्वाकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो किस तरह से रिलेटेड है उसके बारे में हम इस वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे ना वॉट इज हैपनिंग ईयर इसकी जो फ्राई और हैचलिंग्स होते हैं इसका मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर तो ये पार्ट टू है अब जो फ्राई और हैचलिंग्स होते हैं यानी कि यंग वंस होते हैं फिशेज की छोटे बेबीज होते हैं फिशेज के उनको फ्राई और हैचलिंग्स कहा जाता है इन्हें क्या करते हैं शुरू के टाइम पर जो मेन पौंड जिसमें हम मेनली पौंड को जहाँ पर मैनेज कर रहे हैं उस पौंड में डालने से पहले इन छोटे छोटे फिशेज के जो हैचलिंग्स होते हैं फ्राइज होते हैं उनको स्टॉक किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है और थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर बड़ा किया जाता है तो वो जो छोटा वाला एरिया यहाँ पर है जिसके अंदर इन फ्राई और हेचलिंग्स को स्टॉक किया जा रहा है उसको कहा जाता है नर्सरीज तो ये होती है नर्सरी और बहुत सारी नर्सरी होगी तो उनको नर्सरीज कहेंगे तो ये नर्सरी से बाद में ट्रांसफर किया जाता है उन्हें एक मेन के अंदर जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो आई होप नर्सरी का मीनिंग पर क्लियर हो जाता है जो नर्सरीज होती है वो वन वन टू कहना चाहिए वन पॉइंट फाइव मीटर तक डीप हो सकती है तो uh, एक से लेकर डेढ़ मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है और जो फिंगर लिंक्स होती है जब इन्हें स्टॉक किया जाता है इन डीपर पॉइंट्स और जो फिंगर लिंक्स होते हैं एक ये वाली बात हमने किसके लिए देखी फ्राई और के लिए जो एकदम छोटे स्मॉल साइज के जो कहना चाहिए आ, बेबीज होते हैं फिश के उसकी बात हुई इससे थोड़ा एक जो लार्ज साइज होता है वो फिंगर लिंक कहलाता है फिंगर लिंक को जब आपको स्टॉक करना होगा तो थोड़े से डीपर पॉन्ड में करना होगा वो नर्सरी में हो रहे थे प्रीवियस वाले अब ये वाले नर्सरी में नहीं होंगे थोड़े से डीपर पॉन्ड में होंगे थोड़े गहरे पाउंड और उसका साइज कितना होता है वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट फाइव मीटर्स तक डीप हो सकता है तो वहां उनकी रियरिंग होती है और बाद में जब ये कहना चाहिए जो थोड़े डीपर पॉइंट्स है इसमें से फिर जब ये बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो इनको मेन पॉइंट्स की तरफ लेकर जाया जाता है तो ये पूरी तीन सीरीज है नर्सरी से डीपर पॉइंट डीपर पॉइंट से मेन पॉइंट्स तक हम लोग को ट्रांसफर करना होगा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो नर्सरी होती है रियरिंग एंड स्टॉकिंग पॉइंट्स नीड केयरफुल प्रिपरेशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फ्राई और फिंगरलिंग्स सो एज टू रिड्यूस मोर्टिलिटी जो नर्सरी है वहां पर अगर आपको छोटे जो फ्राई और हैचलिंग्स अगर उनकी रियरिंग करना है उनका डोमेस्टिकेशन करना है उनका पालन करना है तो और उनकी स्टॉकिंग भी करना है तो यह जरूरी है कि वो जिस एरिया में हम जिन नर्सरी में उन्हें रख रहे हैं जिन पौंड में हम उन्हें रख रहे हैं छोटे बच्चों को फ्राई और फिंगरलिंग्स को तो उनको बहुत अच्छे से केयरफुल प्रिपरेशन करके रखा जाए पूरी केयर करी जाए उनका, है उनका हैबिटेट प्रॉपर होना चाहिए उनका खाना प्रॉपर होना चाहिए वहां कोई वीड्स नहीं होना चाहिए किसी तरह का उनका एनिमी वहां नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि एंड में क्या होगा जो फ्राई और फिंगर लिंग्स है उनकी मोर्टिलिटी नहीं होगी मॉर्टिलिटी यानी उनका जो डेथ रेट है मरने का जो रेट होता है उसको मोर्टिलिटी मोर्टिलिटी कहा जाता है तो उनकी मोर्टिलिटी वहां ना हो इस वजह से इस सारी चीजों का वहां पर ध्यान रखना होता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राई एंड फिंगर लिंग्स आर अनेबल टू सर्वाइव इन पॉन्ड्स अगर आपने बहुत सारे अमाउंट में फ्राई और फिंगर लिंग्स को ये जो छोटे बच्चे हैं इनको अगर डायरेक्टली मेन पॉन्ड के अंदर बहुत सारा भर दिया या फिर नर्सरी के अंदर भी इनको बहुत सारे भर दिए एक साथ तो वो तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए एक जगह पे पॉपुलेशन हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है एक प्रॉपर अमाउंट आपको वहां पर फॉलो करना होता है दूसरी बात इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन अगर उनकी ध्यान अच्छे से नहीं रखा जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मॉर्टिलिटी इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स अब मेनली जिस वजह से मोर्टिलिटी देखने को मिलती है फिशेज के फिंगर uh, लिंग्स के अंदर फ्राइज के अंदर हैचलिंग्स के अंदर उसके रीजन देख लेते हैं पहला प्रिडेटरी एंड वीड फिशेज आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड कभी कभी ऐसा होता है कि जिन पॉन्ड में आप इन छोटे बच्चों को डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी ऐसी बड़ी बड़ी फिशेज इन, मतलब होती है जो बड़ी वाली फिशेज होती है और वो आकर क्या करती है बड़ी फिशेज जो छोटे कहना चाहिए बच्चे हैं फिशेज के उनको खा लेती है तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है इस वजह से भी इनकी डेथ हो जाएगी दूसरा प्रिडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट भी होते हैं कभी कभी मान लेते हैं हम कि हाँ ये जो फिशेस होती है बाद में बड़ी होकर इंसेक्ट को खाती है लेकिन शुरू में जब ये खुद इतनी स्मॉल साइज की होती है इनके फिशेस की जो एग होती है जिसे के कहा जाता है वो भी बड़े स्मॉल साइज के होते हैं तो इन सबको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है अब इतने स्मॉल साइज के जो कहना चाहिए बेबीज हैं फिश के उसको एक्वेटिक इंसेक्ट तक कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे भी उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है कभी कभी सूटेबल फूड उन्हें फ्राइज uh, जो होते हैं छोटे बच्चे उन्हें अवेलेबल नहीं करवाया जाता है तो भी उनकी डेथ हो जाती है कभी फ्राई और फिंगर लिंग्स जो रहते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट एज के होते हैं तो अगर हम उन्हें सेम पॉन्ड में रख देते हैं तो उसकी वजह से केनिबोलिज्म देखने को मिलता है मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर uh, फिंगर लिंक्स को ही रख रहे हैं हम लोग लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा छोटे अभी हमने बात करी एक होते हैं फिंगर लिंक्स और एक होते हैंच लिंक्स और फ्राइज फ्राइज थोड़े छोटे होते हैं फ्राइज और हैच लिंक्स थोड़े छोटे होते हैं और फिंगर लिंक्स थोड़े बड़े होते हैं तो अगर हमने ऐसा कर दिया कि फिंगर लिंक्स और फ्राइज दोनों को एक साथ रख दिया और ये बड़े और छोटे साइज में इनकी एजेस डिफरेंट है तो कभी कभी ये फिशेज क्या करती हैं ये फिशेज के मतलब बच्चे क्या करते हैं कैनिबोलिज्म शो करते हैं कैनिबॉलिज्म मीनिंग ये अपने ही स्पीशीज के मेंबर्स को खा जाते हैं इसको कैनिबॉलिज्म कहा जाता है जैसे फीमेल स्कॉर्पियन जो रहती है वो मेल स्कॉर्पियन को ईट कर लेती है आफ्टर द मेटिंग प्रोसीजर तो ये वाली चीज को कैनिबलिज्म कहा जाता है उसी तरह से ये जो फिंगर लिंग्स हैं ये भी एक दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं तो इ, इस वजह से भी उनका डेथ रेट बढ़ सकता है एक पॉइंट ये भी है कभी कभी जो कहना चाहिए ओवर ग्रोथ हो जाती है जो पॉंड होता है फाइटो की फाइटो क्या होते हैं मेनली एक होते है प्लैक्टन जो कि सरफेस जो होता है पॉंड या किसी भी वाटर बॉडी का उसका जो सरफेस होता है उसमें प्लैंगटन्स पाए जाते हैं अब दो तरह के होते हैं जू प्लैंगटन एंड फाइटोप्लैंग so के उपर, तो ये एक तरह के प्लांट होते हैं तो ये क्या करेंगे ये को कर देंगे। पानी की जो ऑक्सीजन है उसमें कमी होने लग जाएगी इस वजह से जो फिशेस को ऑक्सीजन की जरूरत है वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी वहां पर दूसरा पॉइंट है लार्ज डिफरेंसेस इन दी देशर एंड पीएच ऑफ द वाटर इन हापा एंड पॉन्ड मे कॉज मोर्टिलिटी अगर पॉन्ड में या फिर हापा में हापा एक छोटा सा एरिया होता है अगेन नर्सरी टाइप का जहां पर इन छोटे बच्चों को आ, पाला जाता है तो ये चीज होती है तो ये हापा और पॉन्ड में अगर आपने टेम्परेचर पीएच पानी का इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी ये जो छोटे फिशेज के बच्चे हैं उनकी डेथ हो सकती है सो प्रॉपर टेम्परेचर बहुत जरूरी है ज्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए ज्यादा ठंड नहीं होना चाहिए जितना उनको ऑप्टिमम उनके लिए बेहतर होता है उतना वहां जरूरी होता है तो ये पॉइंट था यहाँ पर और पीएच भी प्रॉपर होना जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट है पर स्मॉल साइज पॉन्ड्स कैन बी ड्रेन ऑफ वॉटर एंड ड्राइड इन द सन टू किल ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑफ फिश द आर देन फिल्ड फ्रेश अगर स्मॉल साइज हार्मुलिस को देखा जाए तो ये एक तरह से इजी भी रहते हैं इनमें से पूरा पानी अगर हम लोग ड्रेन uh, कर दे हटा दें और फिर उसको सन के अंदर ड्राई करे उस पॉन्ड को उससे क्या होगा जितने भी हार्मुल ऑर्गेनिज्म उसके अंदर थे पॉन्ड के अंदर उन सबकी डेथ हो जाएगी एनिमिल्स ऑफ फिश जो होंगी वो मर जाएंगे फिर फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा फिर पॉन्ड्स को फिर से फिल करना रहेगा फ्रेश वाटर के साथ तो ये एक मेन प्रोसीजर होता है कि पहले आप वो जो पूरा भरा हुआ पानी है उस पॉन्ड का उसको खाली कर दें, उसको सनलाइट के अंदर ड्राई करें उससे सब कुछ क्लियर हो सकता है एंड वीट फिशेज यानी कि रिमूवल करना प्रिडेटरी और वीट फिशेस का जो प्रिडेटरी फिशेस होती है प्रेजेंट इन पॉन्ड्स अगर प्रिडेटरी फिशेस पॉन्ड में प्रेजेंट है तो वो हार्मफुल होगी क्योंकि वो फ्राई और फिंगर लिंग्स को खा जाएंगी दूसरी बात जो माइनर काप्स होती हैं यहां पर हम वीट फिशेस की डेफिनेशन देख रहे हैं तो जो माइनर काप्स होती है छोटी मछलियां जो होती है जो लार्ज साइज तक ग्रो नहीं कर पाती है उन्हें पॉन्ड के लिए अनडिजायरेबल माना जाता है नापसंदीदा माना जाता है पॉन्ड्स के लिए और ये वीट फिशेज कहलाती है क्यों ये ऐसी नापसंद

तो इन कॉमन प्रेडेटरी फिशेस को वीट फिशेस को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब जो कॉमन प्रेडेटरी और वीट फिशेस पॉन्ड्स के अंदर पाई जा सकती है उसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं पहली है प्रेडेटरी फिशेस। इसमें आ जाती है वेलगर अट्टू चन्ना एस पी पी नोटॉपटेरसाइ चाइटेला फिर उसके बाद आती है एन नोटॉपटेरस मिस्टस एस पी पी क्लेरियस बेट्रेकस ओमपोक पेब्डो उसके बाद आ जाती है ओ बिमेक्यूलेटस फिर उसके बाद सिलोनिया सिलोनिडिया सिलोन्डिया फिर उसके बाद मेस्टे मेस्टा सिंबेलस आर्मेटस एक्सेट्रा यहाँ पर जो मेनली हमें नाम याद करना है वो वेल्गो अट्टू रहता है बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेन नाम जो है वो वेलगोर टू हम याद कर सकते हैं चन्ना इजी होता है और वैसे इंपॉर्टेंट भी है और मिस्टर्स ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी इतने ज्यादा इतना जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वी हैव इट हियर दूसरा है हमारे पास वीड फिशेस उसको देख लेते हैं फिर है वीड फिशेस पंटियस पंटियस टिकटोपी सोफोर अगेन बंक्टियस ही पड़ेंगे इसको भी पंटियस सोफोर फिर सोमस डेनरिकस ऑक्सीगेस्टर बकाईला फिर उसके बाद है एम्बलाई एंब, फेरिंगोडोन मोला फिर एम्बेसिस नामा ए रंगा बेरिलियस एसपीपी और गेडूसिया ये सारी मछलियों के नाम है वीट फिशेस में और दूसरी हो सकती है इसमें चपरा और कोलिसा फेसिएटस जेनेटोडोन कैंसिला, के, ये सारी फिशिश उसमें आ जाती है अब जो प्रिडेटरी और वीट फिशेस होती है हमें पॉइंट जो नोट करने के लिए वो यही है कि जो प्रिडेटरी और वीट फिशेस होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही फिशेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पॉन्ड बाय रिपीटेड ड्रैग नेटिंग बट दिस नॉट एंश्योर कंप्लीट इराडिकेशन एज सम्पीशी मगूर सिंगी कुशियाबरो इन टू द मर्ड एंड एस्केप नेटिंग अब क्या हो रहा है ये कह रहे हैं कि अगर हमें इन जो खतरनाक फिशेज है प्रिडेटरी और वीट फिशेज इनको हटाना है तो हम पानी में नेट डाल के इन फिशेज को पकड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है आप मेनली इन को पकड़ सकते हो हद कुछ हद तक पकड़ सकते हो पूरी तरह से आप उनको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हो अब रीजन क्या है हम पूरी तरह से क्यों नहीं रिमूव कर सकते है? क्योंकि कुछ फिशेज जैसे कि म्यूरल्स मगुर सिंगी और कुकिया ये जो फिशेज रहती है ये क्या करती है ये पानी के एंड में जाके वो जो बॉटम है वहां पर बरोस बना लेती है अपनी छोटी छोटी खुदाई करके बिल बना लेती है और उसके अंदर छुप जाती है तो नेट के अंदर ये पकड़ में आती नहीं इस तरह से वो वहां से भाग जाती है और थोड़े टाइम बाद जैसे हम नेट हटाते हैं फिर वो बाहर आ जाती है फ्राई और फिंगरलिंग को खाने लग जाती है और उनको प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है तो ये प्रॉब्लम वहां देखने को मिलती है अनादर मेथड इज टू ड्रेन द पॉन्ड कम्प्लीटली एंड ड्राई इन द सन दूसरा मेथड ये है कि आप पूरे पॉन्ड का जो पानी है उसको रिमूव करके उसको सुखा दें और सन के अंदर अच्छे से ड्राई कर दें तो फिर ये सारी चीजें वहां से हट सकती है हाउ एवर दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल लेकिन हमेशा ये वाला प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल है अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी इतना सारा पानी अगर आप लोग बड़े पौंड का यूज कर रहे हैं तो इतना सारा पानी रिमूव करने के लिए बहुत सारी मशीन लगेगी ऐसा तो नहीं है कि हम बकेट लेकर और जो कप रहते हैं उनकी मदद से पूरी तरह से धीरे धीरे करके बाहर करेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि पूरे पौंड को हम खाली कर लें। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मशीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ मशीन का यूज करना होगा जो कि पूरी तरह से अन इकोनॉमिकल है उसमें पैसा भी बहुत लगेगा और पॉसिबल भी नहीं है ये प्रॉब्लम आएगी इसी वजह से जो फिश पॉइजन होते हैं आर यूज टू वी रेडिकेट प्रेडेटरी एंड वीट फिशेज इसीलिए क्या करना होता है कि जो फिश फिश पॉइजन होते हैं उनको इस पानी में डाल दिया जाता है तो उससे वो जो प्रेडेटरी और वीट फिशेज है वो मर जाती है लेकिन यहाँ एक बात चीज़ जो ध्यान रखने की है कि जो फिश पॉइजन आप यूज करेंगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पानी को इतना ज्यादा कहना चाहिए टॉक्सिक और पॉइजन वाला बना दे कि आगे जाके जब आप उसमें फ्राइज और हेचलिंग डालेंगे तो वो भी उससे मर जाए ऐसा पॉइजन नहीं डालना है हमें वहां पर तो इन चीजों का ध्यान रखना है अब फिश पॉइजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब जो अनवांटेड फिशेस होती है जिसकी ज़रूरत पानी में नहीं है उनको किल करने के लिए आप आसानी से उसको किल कर सकते हैं पिसीसाइड के थ्रू पिसीसाइड क्या होता है जैसे हमने पढ़ा था इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड लगता है पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड लगता है वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड लगता है उसी तरह से फिश को हटाने के लिए पिसीसाइड लगता है पिसी वर्ड का मतलब ही होता है फिश अगर आपने थमनिल को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने उसमें लिखा है पिसीकल्चर करके एक जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पिसी कल्चर में ही आता है जो कि एक्वा कल्चर की

अंदर न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है नहीं तो जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सो दैट देर इज नो रिस्क फॉर कैटल और मैन एक जरूरी बात ये भी कि जो रहता, जो रहता है उस कुछ कैटल होते हैं गाय और जो भैंस ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं वो जो पौंड होते हैं वहां जाकर पानी पीते हैं तो अगर आपने वहां पर कोई जहर डाल रखा है फिश का पॉइजन डाल रखा है तो वो कैटल उसको पी के वहां पर उसकी डेथ हो सकती है तो उसको अवॉइड करने के लिए कभी कभी जो मैन रहते हैं ह्यूमन्स रहते हैं वो भी उस पॉन्ड पर जाके कपड़े धोने का काम या फिर उसमें से थोड़ा पानी लेकर खाना बनाने में यूज कर लेना इस तरह की चीजें जनरली परफॉर्म करते हैं ह्यूमन भी तो उनके ऊपर रिस्क ना आ जाए इन फिश पॉइजन का तो उसके लिए क्या करना होता है उसको जल्दी से उस जो पॉइजन आपने डाला है उस पॉन्ड के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना होता है अब यहाँ पर क्या होता है एक डेरिस पाउडर आता है डेरिस पाउडर इज अ प्लांट डेरिवेटिव कंटेनिंग फाइव परसेंट रोटीन ऑन मैं इसको नोट फिर से करती हूँ तो डेरिस पाउडर की हम बात कर रहे हैं इसमें ये तरह का प्लांट डेरिवेटिव होता है प्लांट में से बनाया जाता है इट इज अंटेक्ट पॉइजन एंड द फिशेज आर किल्ड ड्यू टू इंजुरी टू द गिल जैसे ही ये पॉइजन फिश के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो फिशेज के गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती है यहाँ गिल्स होते कहीं ना कहीं तो इन गिल्स के

तो जू प्लैक्टन तो इसमें इजीली मर जाते हैं लेकिन फाइटो प्लैक्टन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता यानी फाइटो प्लैंगटन की डेथ नहीं होती तो सिर्फ एक जो डिसएडवांटेज इस डेरिस पाउडर का ये है कि फाइटो प्लैंगटंस की डेथ नहीं हो रही है दूसरा डेरिस पाउडर को आपको जितना यूज करना है उसका डोज देख लीजिए सिक्स से टेन पीपीएम का यूज करना जरूरी होता है और ये जो सिक्स से टेन पीपीएम ये सफिशियंट होता है जिससे कि जितनी भी स्पीशीज है फिश की इंक्लूडिंग एयर ब्रीदिंग वन जो कि ऐसी स्पीशीज जो कि एयर ब्रीथ करती है डायरेक्टली ऑफ एयर शो करती है उनकी भी डेथ हो सकती है उनको पैरालाइज करने के लिए काफी है इतना डोज तो, तो जो जो रिक्वायर्ड केमिकल है इज डिजोल्व इन वाटर सबसे पहले करना क्या होता है इस रिक्वायर्ड केमिकल को जो पाउडर का फॉर्म होता है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं स्प्रेड ऑन द पॉन्ड सर्फेस जो पॉन्ड का सरफेस है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है इसके हम स्प्रे का डॉट डॉट बना देते हैं वो ज्यादा अच्छा लगेगा तो पॉन्ड सरफेस पे स्प्रे किया जाता है देन उसको स्पलैश किया जाता है फॉर थोरो मिक्सिंग उसको थोड़ा हिलाया जाएगा जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे पानी में दिस पॉइजन इज वेरी इफेक्टिव ऑन सनी डेज एंड ऑल फिशेज आर किल्ड विद इन अ फ्यू आवर्स जिस दिन सनलाइट अच्छी होगी सनी डेज होगा सन अच्छा तेज है उस टाइम पे अगर आपने पॉइजन का यूज करा तो ये और ज्यादा इफेक्टिवली बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा तो जो सनी डेज होगी उसमें प्रेफरेबल रहता है और कुछ ही घंटों में सारी फिशेस की डेथ हो जाती है विच आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स और चौबीस घंटे के बाद अब अगर उस पानी को ह्यूमन कंज्यूम भी करने की कोशिश करेगा तो ह्यूमन के ऊपर भी उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा तो चौबीस घंटे तक लेकिन रुकना होता है उस तक कोई कैटल को कोई ह्यूम को वहां तक आने नहीं दिया जाता है जब तक 24 घंटे पूरे ना हो जाए डेरिस पाउडर का जो यूज़ रहता है वो एक मंथ पहले बिफोर स्टॉकिंग यूज़ किया जाता है यानी कि जब आपको वो जो छोटे फिंगर लिंग्स और फ्राइज को न्यू पॉन्ड के अंदर स्टॉक करना है स्टॉकिंग करनी है अगर उनकी तो उसके एक महीने पहले इस डेरिस पाउडर का यूज़ करना होता है तो एक इनफ टाइम मिल जाता है अवेलेबल फॉर मेन्योरिंग द पॉन्ड क्योंकि उसके बाद वहां पॉन्ड को मेन्योर करना भी पॉसिबल हो सकता है ग्रोथ ऑफ जूप लेंगटन भी आप कर सकते हैं जितना आपको करना है वो सब चीज़ पॉसिबल रहेगी तो एक महीने पहले इस डेरिस पाउडर का यूज़ करना ज़रूरी होता है अब कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर डेरिस पाउडर अवेलेबल ना हो तो अगर डेरिस पाउडर नहीं है तो अखरोट जिसको जुगलेंस एसपीपी कहा जाता है उससे प्रिपेयर करके कुछ पाउडर बनाया जाता है अखरोट कुचला जिसको स्ट्राइन स एसपीपी कहा जाता है बनालू जिसको डायस्कोरिया एसपीपी पी पी बेन तम्बाकू ये सारी बेन तंबाकू ये सारी चीजों का यूज किया जाता है पाउडर्ड सीड जो रहती है क्रोटन की और बेरिंग टोनिया की उसका यूज होता है वो भी अच्छे फिश पॉइजन माने जाते हैं महुआ ऑयल केक का यूज किया जाता है जो कि बेसिया लेटिफोलिया होता है ये जो महुआ ऑयल केक होता है बेसिया लेटिफोलिया ये टॉक्सिक होता है हर तरह की फिश को जनरली इसमें सिक्स परसेंट सेपोनिन होता है अगेन मार्क करेंगे सिक्स परसेंट सेपोनिन इसमें होता है जो की फिशेस की ब्लड स्ट्रीम में खून की जो धारा होती है फिशेस की उसके अंदर एंटर कर जाता है तो उसके गिल्स खराब हो जाते हैं हीमोलाइजिस रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स सेल्स का हीमोलाइसिस होने लगता है वो खराब होने लगते हैं और फिश की डेथ हो जाती है महुआ ऑयल केक एट टू 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 फिफ्टी पीपीएम किल्स ऑल एंड वीट फिशेज और बाद में जब ये जित अगर इतना डोज हम यूज़ करेंगे महुआ ऑयल केक का तो जितनी भी प्रीडेटरी और वीट फिशेज हैं वो मर जाएंगी और फिर बाद में इन्हीं चीज़ों से जो प्रीडेटरी और वीट फिशेज़ है इनसे मेन्यर तैयार किया जाता है और जो पॉइजनस इफ़ेक्ट रहता है इस महुआ ऑयल केक के, के जो पॉइजन हमने देखे ये तीन हफ्तों तक उसका इफेक्ट रहता है पानी के अंदर तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है सर्टन केमिकल्स जैसे कि अल्ट्रिन अल्ट्रिन डाई एंड्रिन ये सभी भी टॉक्सिक रहते हैं और फिशेस को अल्ट्रीन कर देते हैं इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है दो से तीन हफ्तों तक लास्ट करती है एंड्रिन की अगर बात की जाए तो ये जीरो पॉइंट जीरो वन पीपीएम यूज करना होता है बहुत ज्यादा मोस्ट पॉइजनस है सबसे ज्यादा अगर कोई पॉइजनस है तो वह एंड्रिन होता है दूसरी बात टेफड्रिन जो होता है टेफड्रिन टू पी उसका पूरा नाम होता है इसमें 20% परसेंट एंट्री इन होता है जो कि रिकमेंडेड है टू बी यूज्ड एट जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो वन पी अगर आपको एंड्रिन यूज करना है तो उसके लिए एंड्रिन किस में पाया जाता है टेफड्रिन नाम के टूपी के अंदर तो टेफड्रिन टूपी को यूज करेंगे तो उसमें बीस परसेंट एंड्रिन होता है और कितना यूज करना है जीरो पॉइंट जीरो वन पीपीएम इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है सोल्यूशन को स्प्रे किया जाता है पूरे पॉन्ड के सरफेस के ऊपर और मिक्स किया जाता है अच्छे से थरोली फिश उसके बाद जो है वो डाई कर जाती है विद इन टू फोर आवर्स दो से चार घंटों में फिश की डेथ हो जाती है जो वीट फिशेस है और प्रेडेटरी फिशेस है उनको उनकी डेथ की बात हो रही है और और उसके बाद पांच से छ हफ्तों के बाद जो रहता है इट शुड बी यूज आ, मतलब कहना चाहिए जब आप स्टॉकिंग करने वाले हैं स्टॉकिंग के पांच से छह हफ्ते पहले आपको ये वाला प्रोसेस यूज करना है जैसे अभी ऊपर देखा था एक महीने पहले करना होता है इसमें पांच से छह पहले करना है टू एंश्योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाटर जिससे कि पानी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए और जो सर्टन ऑर्गेनो ऑर्गेनोफोस्फेट सर्टन ऑर्गेनो एज ऑर्गेनोफोस्फेट एस दिथाइल डाइक्लोरोनाइल ये सभी जो है और जो फॉस्फेट डीडीवीपी जिसका पूरा नाम होता है ये सभी जो है उनको यूज किया जाता है किलिंग एंड एरेडिटिंग प्रेडेटरी एंड वीट फिशेस हाउ अगर इन केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तो उसको अच्छा तो ये माना जाता है कि इन केमिकल्स का यूज़ अवॉइड किया जाए और प्लांट डेरीवेटिवस का यूज़ ज्यादा किया जाए जैसे कि डेरिस पाउडर को प्रीफर करना चाहिए तो क्योंकि केमिकल्स ज्यादा हार्मफुल होंगे तो हम लोगों के लिए अगर हम देखें तो ज्यादा अच्छी चीज़ है कि आप डेरिस पाउडर का कहीं से इंतजाम करें बजाय कि आप दूसरे केमिकल्स का यूज़ करें तो ऊपर हमने सबसे पहले डेरिस पाउडर देखा था डी है। बाद में देखा हमने और बीच में हमने जो एंड्रो एंड्रीन वगैरह ये सभी थे उनको देखा तो उसमें सबसे बेहतर जो है आपको प्रेफर करना है वो डेरिस पाउडर होगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कंट्रोल ऑफ एक्टिवेटिक इंसेक्ट विच वी वर बी वी विल बी सी इन ने द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट सो स्टे टून फॉर दैट एंड डोंट तो फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग